हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं अपने होटल से निकलकर डिनर करने के। ये है डल लेक, जो कि हमारे होटल से जस्ट सामने था, और ये हमारा डिनर या कबाब है, चिकन कबाब, जो कि बहुत टेस्टी था यहाँ का। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। और ये रहा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे था वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे, और इससे बड़े गिफ्ट और क्या हो सकते हैं कि हम कश्मीर में हैं। ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट था अब तक का। श्रीनगर से गुलमार्ग हम जा रहे थे। गुलमार्ग 50 किलोमीटर दूर था, और हमने एक ढाबे पे रुककर अपना ब्रेकफास्ट किया, और ये रहा कॉफ़ी वहाँ का। हमने थोड़ा ट्रांसलेशन वीडियोस बनाया, जो कि आप लोगों ने इंस्टा पर देखा होगा। और ये रहा माउंटेन, बर्फीला पहाड़, जो कि हमें बहुत दूर से दिख रहा था गुलमार्ग का। गुलमार्ग तो वैसे पहाड़ के ऊपर ही है, बहुत ही ऊपर तरफ जाना पड़ता है इसलिए। और ये बर्फ स्टार्ट हो चुके थे यहाँ से, हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे थे, ऊपर जा रहे थे उसके बाद। और गाइज़, हम गुलमार्ग के बहुत सुंदर सी वादियों में हैं, और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीज थी, नई नई टाइप की। फाइनली गाइज, अब हम गुलमार्ग पहुँच चुके हैं, और ये रहे माय हैंडसम, जो कि रील्स बनवा रहे हैं, थोड़ी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हम यहाँ जा रहे थे अपने शूज़ चेंज करने के लिए, क्योंकि वहाँ हम ये शूज़ पहन कर नहीं जा सकते, पर शूज़ रेंट पर मिलते गाइज़। ये देखो, मैं पहन के रखी हूँ ऐसे ही सेम शूज़, आपको वहाँ पर रेंट पर मिलेंगे। तो गाइज़, आज थी 14 फरवरी, यानी कि हमारी शादी के 3 मंथ्स भी कंप्लीट हो चुके थे, और वैलेंटाइन डे था, तो डबल सेलिब्रेशन थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ रील्स के था ये वाला, और यहाँ मैं एंजॉय करते हुए बर्फ़ में खेल रही थी। सच में वहाँ जाकर बिल्कुल बच्ची बन चुकी थी मैं। और गाइज़, वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा है कि वापस से वहाँ चले जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ उस प्लेस को। ओके गाइज, मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय।